सुश्रुत संहिता के अध्याय 1.16 में नाक के रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी यानी कि राइनोप्लास्टी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस सर्जरी में नाक के टूटे हुए हिस्से को नापने के लिए एक बेल के पत्ते का इस्तेमाल करने को कहा गया है। सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द ना हो इसका भी ख्याल सुश्रुत रखते थे। इसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से गाल की त्वचा को निकाल के नाक पर लगाया जाता था। इसी दौरान एक छोटे पेडिकल को गाल से जोड़कर रखा जाता था। नाक के उस हिस्से को जिस पर वो स्किन लगाई जाने वाली है उसे नाइफ से थोड़ा काटा जाता था। उसके बाद में स्किन को नाक पे रख के दोनों ओर से सिया जाता था। त्वचा को एलिवेटेड रखने के लिए नॉस्ट्रिल्स पर एरंड या कैस्टर ऑयल प्लांट की दो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी से नए नाक को एक अच्छा आकार मिलने में भी मदद मिलती थी। इसी प्लास्टिक सर्जरी को इंडियन फ्लैप के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से कई मरीजों को समाज में फिर से सिर उठा के जीने का मौका मिला। एपिकपीडिया अननोन फैक्ट्स ऑफ इंडिया प्रीमियर्स एवरी मंडे एट 7:55 PM ओनली ऑन एपिक, एपिक ऑन एंड एपिक यूट्यूब।